तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा केंट एस अल्कलाइन जो वाटर प्योरीफायर है वो फिटिंग हो रहा है। यहाँ पर दो जो टेक्नीशियन आए हुए हैं इसको फिट करने के लिए हमारे घर में, तो यहाँ पर मैं इसको अपने किचन में फिट करवा रहा हूँ इस आरओ को। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आरओ फिटिंग किया जाता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब आप लोग को ये आर ओ क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये आर ओ जो हो तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड किए गए हैं जो कि है एस अल्कालाइन। अब जो अल्कालाइन का मतलब क्या होता है, अल्कालाइन का मतलब ये होता है कि आइए जो पानी का पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है, जिससे आपके पेट में कभी भी कब्ज, गैस, एसिडिटी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसलिए आप एस अल्कालाइन जो होता है ये आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो टेक्नीशियन है हमारे, उन्होंने इसकी पहले फिटिंग किया, नाप किया, और नाप करने के बाद में इसको जो है ड्रिल मशीन से इसको हैंग किया जाता है। तो इसमें आप दो जो इसके पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इसको ड्रिल किया जाता है, और उसी पॉइंट्स करके उसी में जो हमारा इसको हैंग कर दिया जाता है, इसको टांग दिया जाता है। आप देखिए तो ड्रिल मशीन से यहाँ पर ड्रिल की जा रही है, आप देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए ड्रिल हो चुका है। ऐसे ही ड्रिल किया जाता है इसको हैंग करने के लिए। तो केंट एस अल्कालाइन जो है हमारा, इसको आप फ्लिपकार्ट से भी परचेज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अमेजोन का। तो अमेजोन पर ये केंट सुप्रीम अल्कालाइन के नाम से अवेलेबल है, उसको जाकर आप ऑर्डर कर दीजिए, या फिर फ्लिपकार्ट पर केंट एस अल्कालाइन के नाम से मिलता है। दोनों फीचर्स और सारी चीज़ें मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया था, सब सेम ही हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑर्डर करने के बाद में 1 से 2 दिन में आपके घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन किया जाता है। फ्लिपकार्ट की तरफ से 2 टेक्नीशियन आपके घर पर भेजे जाते हैं, 1 या 2 दिन मैक्सिमम लगता है। मेरा तो लेने के 2 दिन ही टेक्नीशियन आ गए थे घर पर इसको फिटिंग करने के लिए। ये अलग से आपको परचेज़ करना पड़ेगा। साइड मेंट फ़िल्टर होता है जो कि प्री फिल्टर के नाम जाना जाता है, इसकी कीमत आपको अलग से देनी पड़ेगी। इसको जो फिटिंग टेक्नीशियन आते हैं वो लेके आते हैं, 1200 रुपये इसकी कीमत होती है। तो 1200 रुपये की कीमत है, और 6 महीने तक ये गारंटी में रहता है। और यहाँ पर आप देखिए कि टेक्नीशियन ने ड्रिल करके पेच लगा रहा है, पेच लगाने के बाद इसको हैंग किया जाएगा। देखिए स्क्रू लगा दिया रहा जा रहा है, स्क्रू लगा के बाद इसको टाइट किया जाएगा, टाइट करने के बाद में इसको वहाँ पर हैंग कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो आरओ होता है यानी कि वाटर प्योरीफायर होता है वो लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक बंदा टेक्नीशियन जो है वो दूसरा, आप देखिए कि जो पानी आता है जहाँ से टंकी का, वो उसको ओपन कर रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पहले से भी आरओ लगा हुआ था वाटर प्योरीफायर, इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत है नहीं, ये पहले से लगा था सारा। यहाँ पर कनेक्शन वगैरह जो इनलेट होता है यानी कि जो इनलेट पानी का आता है सप्लाई, वो वहाँ पर पहले से ही लगा हुआ है, तो इनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसको खोल के केवल जो नया वहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर को देखिए कुछ इस तरीके से इसको इसमें टाइट किया जाएगा, तब ये यहाँ पर फिट हो जाता है आसानी से। ये देखिए आप, तो इसको यहाँ पर टेक्नीशियन जो है अभी हैंग कर रहा है इसको वहाँ पर, कैसे ये देखने में लगता है उसको चेक कर रहा है, क्योंकि उसने ड्रिल कर दिया है और पेंच लगा दिया गया है, और अब उसको वहाँ पर हैंग किया जाएगा। हैंग करने के बाद में चेक किया जाएगा कि कैसे सीधा है या नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पर इसकी काउंट की जाती हैं। तो ये जो आरओ है, इसकी जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाली वीडियो है, अनबॉक्सिंग वाली, वो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल दिया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये कोई भी एक आरओ केंट का लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, जाकर तुरंत ऑर्डर करिए। ऑनलाइन परचेज करने पर आपको, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है कुछ कंपनियों के, जैसे BOB का है, फ्लिपकार्ट एक्सिस का है, अमेजोन पे ICICI कार्ड है, तो ऐसे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे आप तो आपको 1500-2000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। मैंने भी जो लिया है, मेरे पास कई कार्ड्स वगैरह मैंने लगाए हैं, और मुझे ये लगभग आप मान के चलें जी कि 3-3.5-4 हज़ार रुपये सस्ता पड़ा है। तो आप समझिए क्रेडिट कार्ड आपको छूट दिला सकते हैं। क्रेडिट कार्ड रखना बुरी बात नहीं है, क्रेडिट कार्ड रखिए, लेकिन उसके खर्चे जो है वो सीमित रखिए, मनचाहा खर्च मत करें। क्रेडिट कार्ड रखना बुरी बात नहीं है, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज करना बुरी बात है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो इनलेट होता है यानी कि टंकी का पानी जो आता है उसको यहाँ पर एक यहाँ पर
जो स्टॉपर है इसको बोला जाता है, स्टॉपर लगाया जा रहा है। यहाँ से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं पानी का, यानी कि जो इनलेट होता है पानी आता है और जाता है, तो वहाँ से आप इसको रोक भी सकते हैं। ये देखिए इसको उन्होंने लगा के सीधा कर दिया, तो ये है स्टॉपर इसको बोला जाता है। अब यहाँ से सीधा ये साइड मेंट फिल्टर में पानी जाता है, और अब यहाँ पर टेपलान लगाया जा रहा है। टेपलान लगा के इसको बाहर से बंद कर दिया जाएगा। टेपलान या सफ़ेदा सूत जो भी आप बोलते हो उसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उसको नहीं लगाएंगे तो आपके यहाँ जो ये पानी है टंकी का, अगर ये नहीं लगाएंगे स्टॉपर और जो सफ़ेदा सूत या टेपलान, तो ये पानी बाहर की तरफ लीकेज करता है, तो ये वो ना हो इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है। अब देखिए कि साइड में फ़िल्टर जो प्री फिल्टर होता है ये कैसे लगाया जा रहा है। इसको साइड में लगा रहे हैं, ये अलग से परचेज मैंने किया है, ये आपको भी अलग से परचेज करना पड़ेगा, केंट की तरफ से नहीं आपको दिया जाएगा। इसकी कीमत 1200 रुपये है, कहीं कहीं पर कम भी हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुझसे 1200 रुपये लिया गया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सारी चीज़ें क्लियर क्रिस्टल तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए सब कुछ कैसे फिटिंग होती है, क्या है कैसा है। और यहाँ से अब ये जो इनलेट वाल्व होता है, यानी कि जो पानी आता है वो लगाया जा रहा है, इनपुट इसको आप बोल सकते हैं, पानी जिसमें आता है, इसलिए सीधा जो इनपुट है ये इनपुट इनलेट वाल्व जाता है सीधा साइड में फ़िल्टर में। सबसे पहला वहाँ पे जाकर ये पहले प्री फिल्टराइज्ड होता है। प्री फिल्टर का काम ही यही है, जैसे कि बालू अगर आपकी टंकी में है आ रहा है जा रहा है, तो वो पहले ही उसको रिड्यूस कर देता है। इसलिए साइड में प्री फिल्टर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके आर ओ में कोई प्रॉब्लम ना हो उसको सेफ करके रखता है। जैसे कि आपके घरों में एसी लगा है या टीवी है या कुछ भी आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगाए हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो वहाँ पर आप स्टेबलाइजर लगाते हैं, तो सेम वही आप समझ लीजिए कि स्टेबलाइजर का काम करेगा, उसको प्रोटेक्शन देगा पहले से ही। तो ये साइड में फिल्टर भी हैंग हो गया, इसको लगा के इन्होंने सप्लाई आप इनपुट ऑन कर दिया है। सप्लाई 240 वोल्ट का जो सप्लाई है, 50 हर्ट्ज, अपने यहाँ जो इंडिया में 50 हर्ट्ज चलता है, विदेश में 60 हर्ट्ज। देखिए इसको ऑन कर दिया, साइड में ऊपर की साइड में देखेंगे दो ग्रीन कलर की लाइट भी ब्लिंक करती है, एलईडी बल्ब लगी होती हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आरओ ऑन हो चुका है। वैसे तो चलेगा, तो जो मोटर होती है उसका भी साउंड आता है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे आरओ लगवा रहा हूँ, और ये लगवाने के बाद में जो है ये वीडियो आपको 3 से 4 या 5 या हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद जा रही हो, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं इस आरओ को लगवाने के बाद में। मेरा आरओ सही से काम कर रहा है, फिल्टर भी इसका सही से ही हो रहा है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, और जो पानी का टेस्ट है वो भी ठीक ठाक है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसका TDS वगैरह कितना मैंने सेट करवाया है, और आपको कितना TDS सेट करवाना चाहिए। इसको उन्होंने लगा दिया, ऑन कर दिया है, अब ये चल रहा है, अब ये वहाँ पर पानी का क्या बोलते हैं कि उसको फिल्टर कर रहा है, और करने के बाद में पानी आएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई वगैरह इसको दे दिया गया है, इसका वायर वगैरह लगा दिया गया है, और ये ऑन है, अभी इसको ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको फिर से ऑन करवा दिया है, और मैंने बोला कि इसको आप टेस्ट करिए कि पानी कैसे आ रहा है, कितना इसका TDS वगैरह है। और ये ऊपर के साइड में कार्बन फिल्टर लगे हैं, और वहाँ पर साइड में साइड मेंट फिल्टर लगा हुआ है, और अंदर साइड में भी मेम्ब्रेन वगैरह लगा होता है। नीचे सबसे देखिए मोटर लगी हुई है, तो ये आपके आरओ का पूरा होल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जो पानी इसमें आ रहा है, जो पानी मैं इस समय पी रहा हूँ, वो उसका जो है, तो जो आप बोल सकते हैं TDS है, वो मैंने इसको जब उन्होंने सेट किया था तो उन्होंने 74 पे TDS इसका सेट किया था, बट उनको जाने के बाद में जब मैंने एक टंकी दो टंकी इसमें पानी जो 8 लीटर का है वो स्टोरेज वो ख़त्म किया, उसका TDS ऑटोमेटिक थोड़ा सा बढ़ गया, और वो पहुंच गया है अभी 84 पे, यानी कि 84-85 तक ये जा रहा है। बीच में 90 भी हो गया था, बाद में फिर उसने अपने आप को कवरअप करके 85-90 के बीच में रह रहा है अभी यहाँ पर TDS जो इस आरओ का है। अब मुझे भी ये काफ़ी ठीक लग रहा है, हालांकि बिस्लेरी या किनले ये सब बोतल जो आते हैं उनका सबका TDS जो होता है वो 65-60 तक होता है, तो आपको पानी का टेस्ट अलग ही आता है। इसका भी टेस्ट अलग ही है, लेकिन बहुत कम मैंने नहीं करवाया है, क्योंकि बेस्ट जो पानी का TDS होता है वो 50 से लेकर 150 के बीच में होता है, बेस्ट माना जाता है। अगर इतने बीच का TDS है और आप पानी पी रहे हैं तो बेस्ट पानी आप इनटेक कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा है तो भी ठीक है, 150 से 250 तक गुड होता है, और
जो 250 350 तक वो फेयर कैटेगरी में आता है, लेकिन 350 से ज़्यादा अगर आपके यहाँ TDS है 320 330 350 तो ये सही नहीं है, इसको आप तुरंत अपने घर में RO लगवा लीजिए, तभी आप बेस्ट रहेगा। और मैंने साथ साथ कवर भी ऑर्डर करवाया था, इनसे बोला था तो कवर भी ये लेकर आए हैं। मुझे इसकी कवर को उन्होंने 250 रुपये बोला था, लेकिन मैंने इसको 200 रुपये दिया था। तो कवर RO का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ, जाकर आप परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है RO लेने से संबंधित, RO के विषय में कोई क्वेश्चन जानकारी चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्ट यहीं पर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं आपकी सलाह, मैं आपको थोड़ी बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है RO लगवाने का, उतना मैं आपको सलाह फ्री एडवाइस दे सकता हूँ। तो देखिए सब कुछ यहाँ पर डन हो चुका है, प्रोसेस RO लग गया है और ये दो बंदे खाली हो चुके हैं। अब ये जाएंगे अपने घर को और ये वीडियो भी अब ख़त्म होने वाली है। ख़त्म होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो आपको इस चैनल पर फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, अगर पर्सनल सजेशन सुझाव देना है, कोई बातचीत करनी हो, तो डायरेक्ट @unboxingustad के नाम से इंस्टाग्राम पर हैंडल भी है, जाकर वहाँ पर मुझसे फॉलो करके क्वेश्चन भी आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।